प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन ने करया संबोधित कया ट्रेड इन्वेस्टमेंट डिफेंस साइंस मिनरल एंड वाटर मैनेजमेंट जेड़ा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ो सहयोग। विधानसभा में आज राज्य रो 2022-23 रो बजट वेला पारित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में राजस्थान वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक करेला पेश। सालासर बालाजी धाम खेतर में प्रवेश द्वार तोड़ा जावा ने ले राजस्थान विधानसभा में बिया हाका भाजपा विधायक क्या धार्मिक भावना वाला साथ है खेल रही है सरकार मंत्री क्या सड़क चोरी करवा खातर तोड़े गयो दरवाजो। भारत में नहीं आवेला कोरोना री चौथी लहर विशेषज्ञ मुजब गंभीर बीमारी वाला मरीजा ने वह सके है कोरोना सु परेशानी सावचेती री जरूरत। आर प्रदेश में घनकरा तापमान में गिरावट लोगों ने ताती भाड़ और गर्मी से मिली राहत। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत खबरा ना साथ में रेखा पारिक अबे खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन ने संबोधित करया इन दौरान प्रधानमंत्री कहा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट डिफेंस साइंस मिनरल और वाटर मैनेजमेंट जेड़ा कई क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ो है। वे कहा कि नारला कुछ एक वर्षा में भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध घना चोखा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राचीन भारतीय कलाकृतियों ने लुटाया जाबा खातर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन रो आभार भी जताया। हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिफेंस और सिक्योरिटी एजुकेशन और इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स वाटर मैनेजमेंट रिन्यूएबल एनर्जी कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। हमारा यह सहयोग फ्री ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए क्वाड की सफलता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से वापस लाए गए इन पुरावशेषों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का विशेष रूप से धन्यवाद दिया। प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो कलाकृतियां भेजी है इनमें राजस्थान पश्चिम बंगाल गुजरात हिमाचल प्रदेश इसके साथ कई अन्य भारतीय राज्यों में से अवैध तरीके से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र और इसके लिए मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अब इनको जो आपने हमें मूर्तियां लौटाई है सारी चीजें लौटाई है उसको सही स्थान पर लौटाया जा सकेगा। मैं सभी भारतीय नागरिकों की तरफ से इस पहल के लिए आपका फिर से एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
विधानसभा में आज राज्य रो 2022-23 रो बजट पारित वाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में राजस्थान वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पेश करेला। इन्हें पारित वेता ही राज्य रो बजट पास वे जावला। विधानसभा में सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी कया के आज जताया कि मुख्यमंत्री अपना भाषण दौरान कई घोषणा माफी कर सके है। विधेयक और राजस्थान विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और उसके बाद में प्रतिपक्ष नेता बोलेंगे और उसके बाद में सदन के नेता जवाब देंगे पूरे जो चलेगा इसके अंदर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता लगभग 5 बजे के आसपास, समय आगे पीछे हो सकता है, उस वक्त बोलेंगे। उम्मीद है राजस्थान की जनता को, जब भी अशोक गहलोत जी बोलते हैं तो ये उम्मीद लेके चलती है जनता की अशोक गहलोत जी कुछ नई घोषणाएं करेंगे। और जिस प्रकार की चर्चा है करना तो सीएम साहब को, लेकिन मैं जहां तक मान सकता हूं कि कुछ हो सकती है, नई घोषणाएं हो सकती है। सालासर बालाजी धाम खेतर में सड़क चौड़ी करवा रहे दौरान तोड़ा गया प्रवेश द्वार ने ले राजस्थान विधानसभा में भी हाका पिया। इन बाबत भाजपा विधायक रामलाल शर्मा कया कि सरकार जनता की धार्मिक भावना वाला साथ खेल रही है। वे सालासर में दरवाजों तोड़ा जावा की घटना की निंदा करया। बटे सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कया कि यह बात सही है कि सालासर मेला दौरान बत्ती भक्तारी भीड़ व्यापार कारण सड़क चोरी करवा खाता दरवाजो तोड़ो गयो, पर वे मान्या के इनसु पहली विधि विधान सु मूर्तियां हटा लेनी चाहिए ही। लेकिन राजस्थान सरकार गलती करने वाला व्यक्ति को गुनाह मानते हुए सजा भी नहीं दे रही और गलती स्वीकार भी नहीं कर रही, उल्टा गुनहगार व्यक्ति के पक्ष के अंदर कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं कि वो तो मंदिर से 15 किलोमीटर दूर एक गेट बना हुआ था, रोड चौड़ाई के नाम पर उस गेट को तोड़ा गया, लेकिन विधि विधान से मूर्तियां स्थापित की गई जब गेट बना, और अब गेट के ऊपर स्थापित मूर्तियों को विधि विधान से अगर उतारते और आप विकास के नाम पर गेट को चौड़ाई बढ़ाते या दूसरा बनाते या सड़क चौड़ी करते वो आपका अलग विषय है, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करके तुष्टिकरण की राजनीति करना सरकार की आदत बन चुकी है। लेकिन आने वाले समय के अंदर जनता सब देख रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। भगवान राम हमारे सब के मालिक हैं और भगवान राम का सम्मान, उनकी पूजा हम रोज करते हैं। एक बात आप मानकर चलिए, पीडब्ल्यूडी के जिन अधिकारियों ने बिना सोचे समझे, जिस ठेकेदार ने जिस ढंग से वो गेट गिरा है, वो वहाँ पे सड़क चोरी करने का काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ जाम लग जाता है खाटू श्याम जी में और सालासर बालाजी की बहुत मान्यता है, रोज जाम लग जाता है, जनता की सुविधा के लिए वहाँ सड़क की चौड़ाई बढ़ रही है। तो सड़क की चौड़ाई जब वो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि पहले मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति को उतारते विधि विधान से सम्मान के साथ पूजा पाठ के साथ, उसके बाद वो गेट गिरता, जब वो हटा रहे थे तो लापरवाही से वो गेट उनसे गिर गया। ऐसे पीडब्ल्यूडी अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने साफ कहा है कि वो वापस बनाओ, अच्छे ढंग से बनाओ, माफी मांगो। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के खिलाफ लगाया गया भ्रष्टाचार आरोप ने लेट भी आज विधानसभा में भाजपा विधायक हाका करया। पछे मीडिया ने दिया गया एक बयान में भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी कया के विधानसभा रो चुनाव लड़ चुका और क्रिकेट एसोसिएशन रा अध्यक्ष माले लाग्या आरोपा रा छीटा मुख्यमंत्री ताने जा सके है। इन वास्ते इन मामला वाले सरकार रो स्पष्टीकरण आवनो जरूरी है। भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है और साथ में हिंदू विरोधी है। भ्रष्टाचार में जब इनके मंत्री ही कहने लगे, पहले तो ये उंगली केवल मंत्रियों पे उठती थी, उसके बाद राजनेताओं पे उठती थी, अफसरों पे उठती थी, लेकिन अब तो कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं पे उठने लगी है। इसके दो दो मंत्रियों के इस तरह के स्टेटमेंट है, ममता भूपेश और प्रसादी लाल जी के, मैं समझता हूँ उसके आप तो मुख्यमंत्री जी के बेटे पे उठी है, और जिसमें भी किसी ने कोई मुकदमा दर्ज, अब तो कोई ईडी और इस पर करा के दोषारोपण करते थे, अब स्पष्ट कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दायर हुआ है, मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। यदि हल्की सी भी नैतिकता हो तो मुख्यमंत्री जी को अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। तो केवल उनका बेटा नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर एक क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष भी है और चुनाव भी लड़ चुका है, तो वह इनके साथ रहता है, तो निश्चित रूप से इसके जो छींटे हैं वह अशोक गहलोत तक भी आते हैं। इसके मामले में उनको तुरंत स्पष्ट आना चाहिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि ये पूरी तरह इनका भी इसमें कहीं ना कहीं रोल है। सीकर में उद्योग और देवस्थान और जिलारी प्रभारी मंत्री शकुंता रावत काल मुख्यमंत्री बजट घोषणा मारी क्रियान्विति खातर जिला स्तरीय अधिकारी समीक्षा बैठक लेना।
इन दौरान वे सार्वजनिक निर्माण महकमा अधिकारी ने बजट घोषणामा रा मुजब 6 महीना रमाए काम शुरू करा जबारा हुकम दिना। बैठक रमाए पहली अड़ा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई अधिकारी मौजूद था। सीकर जिला रा लक्ष्मणगढ़ में काल सु 3 दिना ताणी चाल बड़ा शिखावाटी उत्सव उद्योग मंत्री शकुंतला रावत शुरुआत करया। इन मौके पे कहा कि शिखावाटी उत्सव लक्ष्मणगढ़ की पहचान बन चुको है। कार्यक्रम रे पहले दिन गायक मांगणियार भूंकर खा मोरू सपेरा और सरवर खान हिंदी और राजस्थानी गीतारी लुभावनी प्रस्तुति दीना है वो अलग है, तो वो एक देखने का मौका मिलेगा। जो युवा पीढ़ी है उसे भी हमारे यहाँ के इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। ऐसे मौके आते रहने चाहिए और फिर की एक शेखावाटी की संस्कृति और कल्चर को जिंदा रख सके और उसे आगे प्रेरित कर। विश्व वानिकी दिवस रे मौके आज जयपुर रा वन महकमा में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रे माए एक दिन री कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला में बोलता था का प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर डीएन पांडे वनारी उपयोगिता बाबत जानकारी देवता थका वन संरक्षण री बात किया। डॉक्टर पांडे लोगा सु बत्ती उबत्ती पेड़ पौधा लगावा रो आह्वान करया। कार्यशाला रे माए जंगलात महकमा रा रेंजर सुरक्षाकर्मी गार्डा समेत एनजीओ रा सदस्य भी शामिल किया। लकड़ी का उपयोग उत्तरदायी उपयोग किया जाए क्योंकि इसमें कार्बन लॉक होता है। क्लाइमेट चेंज होने की दशा में कार्बन को आप फिक्स करते हैं, तो एक तो ये मूल संदेश है। दूसरी बात ये है कि लकड़ी आप जहाँ से लें वो स्रोत दुरुस्त होना चाहिए। तो मान लीजिए आप खेतों से उगाई हुई लकड़ी लेते हैं या जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट जिन वनों का हो रहा है वहाँ से ले रहे हैं, तो ये इस उत्तरदायित्व को भी हमें निभाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लकड़ी के उत्पादन के लिए वृक्षों का लगाना जरूरी है। तो आप सबके माध्यम से मैं राज्य के प्रत्येक परिवार को आग्रह करूंगा कि आप अपने घर में, खेत में, खलिहान में, जहां भी संभव है वहां आप वृक्ष प्रजातियों के पौधे अवश्य उगाएं। इस बार की थीम है सस्टेनेबल वुड कंजम्पशन। तो जो सस्टेनेबल वुड कंजम्पशन से तात्पर्य है कि ऐसे स्रोत से उगाएं जहां स्रोत बर्बाद नहीं हो जाए। तो एग्रो फॉरेस्ट हैं, नेचुरल फॉरेस्ट हैं, मेरे और आपका घर है। धौलपुर जिला में विश्व वानिकी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इन मुख्य जिला चिकित्सालय परिसर में पौधारोपण करो गयो। जिला कलेक्टर राजेश जायसवाल कहा कि आज रा बगत में पर्यावरण न बचावारी घनी जरूरत है। वह लोगों से बत्ती बत्ती पेड़ पौधा लगावारी अरज करया। इन मौके स्थानीय जिला प्रशासन और जंगलात महकमा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद था। स्कूली बच्चे नवोदय विद्यालय धौलपुर और प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विश्व वानिकी दिवस मनाया गया और इसमें वृक्षारोपण किया गया। और आज समस्त जनता को, आम विद्यार्थियों को और स्टाफ को, सबको ये मैसेज दिया गया कि अधिकाधिक वृक्ष लगाएं, वृक्षों को बचाएं। संपर्क साहित्य संस्थान और डॉक्टर राधाकृष्णन पुस्तकालय का निशुं आज विश्व कविता दिवस रे मौके काव्य संगोष्ठी राखी जी। संगोष्ठी रमाए वरिष्ठ साहित्यकार नंद भारद्वाज कविता ने सबू लोकप्रिय विधा बतावता थका कया कि आज भारतीय साहित्य कविता रे रूप में सुरक्षित है। वे कया कि कविता घना भगत ताणी याद रवे है। कार्यक्रम रा खास पावना हिंदी री साहित्यकार डॉक्टर शारदा कृष्ण कविता ने मिनखरा जीवन रो आधार बतावता थका कया किंड जरिए मिनख री भावनावां ने दर्शायो जा सके है। इन मौका आकाशवाणी री कार्यक्रम अधिकारी रेशमा खान समेत कई ठावा साहित्यकार ने स्मृति चिन्ह दे सम्मानित करो गयो। कविता एक ऐसी विधा है जो भारतीय भाषाओं में और दुनिया की दूसरी भाषाओं में सबसे लोकप्रिय विधा रही है। यहाँ तक कि हमारा जो भारतीय साहित्य है वो सब कविता के फॉर्म में ही सुरक्षित रहा है। कविता में एक खूबी ये भी होती है कि उसकी वाचिक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो लंबे समय तक व्यक्ति की स्मृति में बनी रहती है क्योंकि एक
पर्टिकुलर छंद में एक एक मीटर में एक लय में रहती है और उसके कारण अभिव्यक्ति तो प्रभावशाली बनती ही है, लेकिन उसकी जो दीर्घकालीन ताल तक उसकी जो बने रहना है ये महत्वपूर्ण है। कविता अब उस तरह के फॉर्म की या उस तरह की जो प्रक्रियाएं थी उसकी मोहताज नहीं रह गई है, बल्कि अब जब से प्रकाशन सुविधाओं का विकास हुआ है वो हर बात जो संवेदनशील व्यक्ति के मन में पैदा होती है और संवेदनशील ढंग से अभिव्यक्त होती है, कविता विश्व कविता के रूप में भी जो लोग दुनिया भर में करते हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं और बहुत सारे ऐसे संगठन भी बने हुए हैं जो कविता को उस तरह से प्रमोट करते हैं। विश्व कविता दिवस पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कविता मनुष्य के जीवन का आधार है। संवेदनाओं के स्तर पर जहाँ रचना से व्यक्ति जुड़ता है सृजन से, तो सबसे लोकप्रिय भी और सबसे सहज भी यही विधा है जिसमें वो अपने भावों को प्रकट करता है। कविता हमारे जीवन के शुरू के राग से जुड़ी हुई है। जितने भी हमारे काव्य जो आजकल जयी हैं वो सब कविता में हैं। यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि गद्य जो है वो कवियों की कसौटी कहा गया है, लेकिन कविता जो है वो उसका मार्ग वहीं से ही होकर होता है। जो सफल गद्यकार है वो अच्छी कविता भी लिख पाते हैं और अच्छे कवि जो हैं वो अच्छे गद्यकार भी होते हैं। तो ये संवेदनाएं जो हैं शब्दों से उनके भीतर उतरती है और इसमें कविता का महत्वपूर्ण रोल है। खबर हाल और भी है पर पहले या विराम। पार्टी चाहिए, पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरा में आप फिर स्वागत। संसार भर में पर्यटन नगरी जैसलमेर आपरा किला और महला स्थापत्य कला रे साथ है रेतरा धोरा खातर जाने जावा है। इंड साथ ही अठहरा लकड़ी से बनिया खिलौना और दूजी चीजा सैलानिया ने घनी लुभावे है। जे या चीजा ने सही तरीका से बेचो जावे और चोखो बाजार मिले तो या ने बनावाड़ा कारीगरा रे साथ है वारा परिवार खातर आर्थिक मजबूती देवाड़ो बढ़ सके है। करता हूँ जिसमें यहाँ पे लकड़ी के बच्चों के खिलौने हैं और इसमें यहाँ पे राजस्थान के भी खिलौने हैं, कुछ जैसलमेर के भी और हिंदुस्तान के कोने कोने से हैं। पर यहाँ के जो पर्यटक वगैरह आते हैं वो चाइना का माल खरीदना पसंद नहीं करते, वो यहाँ का स्थानीय प्रोडक्शन ही खरीदना पसंद करते। उससे हमको भी थोड़ा क्या है कि 2 पैसे का फायदा भी हो जाता है और यहाँ पे रोजगार का जो है वो उससे मेरी बढ़ोतरी होगी। हमारी खानदानी परपेट्स का काम है सर, तो हम ये क्या है लकड़ी लाते हैं, लकड़ी से खुद बनाते हैं, खुद बना के इनको राजा रानी का सेब देते हैं। राजा रानी का सेब देते हैं तो यहाँ से बाहर से पर्यटक आते हैं, वो क्या चाइना का माल खरीदते नहीं है। जैसे हमारे राजस्थान का ये एक कल्चर है, हमारा राजस्थान का ही कल्चर है, राजस्थान में हम खुद बनाते और खुद ही इनको सेल करते हैं, सेल भी करते हैं और पर्यटक को खूब पसंद भी आते हैं और वो लेके भी जाते हैं सर इन्हें। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण का 32 नुआ मामला सामने आया है। 24 जिला में संक्रमण को कोई भी नुओ मामलों सामने नहीं आयो है। लाला 24 घंटा के दौरान सबू 18 नुआ संक्रमित जयपुर जिला में मिला है। राज्य में काल 93 रोगी स्वस्थ हुआ है। सक्रिय मामला की संख्या घटकर 412 रह गई है। इन बीच प्रदेश में काल 12,426 जना के टीकाकरण करो गयो। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर कुलपति और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य और नियंत्रक डॉक्टर सुधीर भंडारी रो कहना है कि कोरोना हाल ताने गयो नहीं है, इन वास्ते सावचेती सु दिशा निर्देश की पालना करनी चाहिए। वे कहा कि भारत में कोरोना की चौथी लहर की संभावना नी के बराबर है। डॉक्टर भंडारी कहा कि कोरोना फैलवा रहे साथ ही 90% से 32 लोगों का टीकाकरण हो चुका है।
जिनके कारण लोगों में इन रोग से लड़वा खातर रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। यही कारण है कि कोरोना री चौथी लहर रो असर अठे निक बराबर फैला कर चुके हैं। फर्स्ट वेव काफ़ी प्रोग्रेसिव थी, सेकेंड वेव जो डेल्टा की थी काफ़ी एग्रेसिव थी, और थर्ड वेव जो कि ओमिक्रॉन के द्वारा थी, इसमें ओमिक्रॉन के कई वेरिएंट BA.1 और BA.2 थे। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है, कोविड अभी तक गया नहीं है। कोविड जब फैलता है तो कोविड का नेचर या वेरिएशन डेवलप हो सकते हैं। एक दूसरे के व्यक्ति में कोविड फैलने के कारण नए नए वेरिएंट डेवलप होते हैं, कुछ वेरिएंट ऑफ कंसर्न होते हैं और कुछ वेरिएंट ऑफ सीवियरिटी होते हैं। तो बेसिकली अगर हम मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग को रखें, इंटरपर्सनल स्प्रेड को रोकें, तो नए वेरिएशन बनना थोड़ा कम हो जाएगा। और नए वेरिएंट नहीं बनना और अपने आप को मास्क के द्वारा प्रोटेक्ट करना एक सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ताकि नए वेव्स हमारे कंट्री में नहीं आ पाए। दूसरा, आप चिंतित हो गए होंगे कि अभी साउथ कोरिया में लैक्स ऑफ पेशेंट आ रहे हैं, हांगकॉन्ग में लैक्स ऑफ पेशेंट आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि जिनमें कोविड पॉजिटिव पाया गया है 75% लोग अनवैक्सीनेटेड हैं। हमारे देश में वैक्सीन हेजिटेंसी या वैक्सीन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं है, जबकि अमेरिका और कई वेस्टर्न देशों में वैक्सीन हेजिटेंसी और रेजिस्टेंस है। तो बेटर वैक्सीनेशन प्रोग्राम, हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी, डेवलपमेंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, ये सारे इतने स्ट्रांग पॉइंट हैं। और करीब करीब अधिकतर पॉपुलेशन को ओमिक्रॉन का थर्ड वेव में इन्फेक्शन हो चुका है। इन सब को देखते हुए मैं नहीं सोचता कि हमें किसी तरह की फोर्थ वेव की चिंता करनी चाहिए। आपको अच्छा लगेगा ये जान के, हमारे कंट्री में 90% प्लस लोगों में सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लग चुका है और एलिजिबल लोगों में बूस्टर डोज भी लग चुका है। सीरो सर्विलेंस का अगर हम स्टडी देखें हमारे देश का, तो 95% लोगों के अंदर रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ है। इवन बच्चों में, जो कि पहले 15 से 18 अब 12 से 15 के बीच में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, 90% प्लस बच्चों के अंदर भी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी टाइटर अवेलेबल है। इसका तात्पर्य है कि हमारे यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी और कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। सेकंड, थर्ड वेव के अंदर प्रैक्टिकली हर व्यक्ति ओमिक्रॉन के द्वारा अफेक्ट हुआ है, और वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी को क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है तो उनमें एंटीबॉडी रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी बहुत अच्छा डेवलप होती है। तो बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी अवेलेबल, हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी टाइटर, और चूंकि अधिकतर 95% पॉपुलेशन को सेकेंड डोज और काफ़ी एलिजिबल लोगों को बूस्टर जो लग गया है, अतः जो फोर्थ वेव का भय भारत में है वो ऐसा नहीं लगता है। स्पोरेडिक केसेस हो सकते हैं, वो भी जो हाई रिस्क को मॉबिड कंडीशंस पेशेंट है, अदरवाइज ऐसा बड़ी वे में फोर्थ वेव का आगमन हमारे देश में नहीं लगता है। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग का निशुकाल जयपुर में ऑपरेशन समानता खातर सेमिनार राखी जी कार्यक्रम रहे माए आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा समेत पूरा प्रदेश तो अनुसूचित जातियां रा प्रशासनिक और पुलिस सेवा रा अधिकारी कर्मचारी मौजूद हा। इन मौके आयोग रा अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा हर खेतर से जुड़ी समस्या वाना सुनर वारो बेगो सुलझाड़ो करवा खातर अधिकारियां और कर्मचारियों ने भरोसा भी दिलाया। राजस्थान रो लोक पर्व गणगौर स्थानीय लोगों रे साथ है अठे आबाड़ा सैलानिया खातर भी खास आकर्षण रो केंद्र रहे है। सुहागण लुगाया अपरा धनेरी लंबी उम्र खातर गणगौर पर्व सु पहली 16 दिना ताणी शिव पार्वती दी विधि विधान सु पूजा अर्चना करर इन पर्व ने मनावे है। वैसे तो मॉडर्नाइजेशन बहुत हो गया, लेकिन फिर भी हम ट्रेडिशन को छोड़ते नहीं है, पीछे उसे साथ लेके चलते हैं। तो हमने दुलंडी के दिन से गणगौर की पूजा शुरू किया और 16 दिन तक करेंगे, और शिव पार्वती के समृद्ध रूप को हम गणगौर कहते हैं। दुलंडी से पूछते हैं, 16 दिन की होती है, और पति की लंबी आयु के लिए, कुंवारी लड़कियाँ अपने सुहाग के लिए भाई आगे अच्छा वर मिले, और सुबह उठते हैं जारी भर के लाते हैं, जारी भर के लाते हैं तो गेट के पास आप गीत गाते हुए आते हैं। हम गणगौर की पूजा कर रहे हैं, गणगौर चैत्र के महीने में आती है, सुबह हम जल्दी उठ के जारी भरने जाते हैं और फिर यहाँ गीत गाते हुए आते हैं और गणगौर की पूजा करते हैं। गणगौर का त्यौहार सभी महिलाओं के लिए बड़ा खास त्यौहार होता है,
तो ये दुल्हन जो होली के दूसरे दिन से ही पूजा कर रहे हैं हम गणगौर की। प्रदेश में एक परिसंचरण तंत्र बनवा सु तापमान में गिरावट आई है। इनसु लोगों ने गर्म भाड़ और तेज गर्मी सु थोड़ी घड़ी राहत मिली है। मौसम महकमा रे मुजब राज्य रा घनकरा जिला रे माए 203 डिग्री तानी तापमान रे गिरावट दर्ज करेगी है। अरब एक खास खबर एक कर फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन ने करया संबोधित। कया ट्रेड इन्वेस्टमेंट डिफेंस साइंस मिनरल और वाटर मैनेजमेंट शेड़ा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बड़े सहयोग। विधानसभा में आज राज्य रो 2022-23 रो बजट पहला पारित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में राजस्थान वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक करेला पेश। सालासर बालाजी धाम खेतर में प्रवेश द्वार तोड़े जावा ने ले राजस्थान विधानसभा में बिया हाका। भाजपा विधायक कया धार्मिक भावना वाला साथ खेल रही है सरकार। मंत्री कया सड़क चोरी करवा खाता तोड़े को दरवाजो। भारत में नी आवाला कोरोना री चौथी लहर। विशेषज्ञ रे मुजब गंभीर बीमारी आला मरीजन है वैसे कहे कोरोना सु परेशानी सावचेती री जरूरत। आज प्रदेश में घनकरा तापमान बाई गिरावट। लोगों ने ताती भाड़ और गर्मी से मिली राहत। एंड साथ ही यह बुलेटिन अठाई पूर्व वैसा नमस्कार।